मजबूरी सब कुछ सिखा देती है, ऐसा बोलते हैं ना। महीने से पैकिंग करके देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है मम्मी पापा की हरिद्वार ट्रिप के ऊपर, क्योंकि मम्मी पापा जा रहे हैं हरिद्वार योग पीठ में, जहाँ पर रामदेव जी का पूरा आश्रम है। मम्मी वहाँ पर जा रहे हैं फाइनली आश्रम में, तो उसी के लिए हम आज यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए। कि आधी शॉपिंग हो गई, आधी शॉपिंग करनी बाकी है, तो बस अभी शॉपिंग चालू है। बिना दीदी आपको भी जाना हरिद्वार साथ में? हाँ हाँ मेरे को पता था, फ्लॉन्ट तो पूरा करोगे। हाँ, बहुत ही शानदार टैटू बनवाया है। अगर इस टैटू के आपके पास पैसे नहीं लिए होते तो मैं एड्रेस भी दे देती इस टैटू आर्टिस्ट का। पैरों वाली तितली भी बताओ ना। वाह, कितनी जोरदार तितली बनवाई है। क्या पता बिना दीदी को ये शौक कब से चढ़ा और इन्होंने जाके बनवा दिया। हमको तो एकदम शौक लग गया, बिना दीदी टैटू कैसे बनवा दिया, पर इनकी प्लानिंग कब से चल रही थी। चिकू भी शौक हो गए, ऐसे ऐसे शौक कब से पाल लिए बिना दीदी ने। तुम दोनों की एक ही शौक कॉमन नहीं है, बाकी सारे शौक कॉमन है। अभी चिकू ने ऐसे कर रखा है, तो देख भी सेम दिख रहे हो। ऐसे रखो, थोड़ा सही रखो, थोड़ा सही में सेम दिख रहे हो। तो अभी यहाँ की जो शॉपिंग है वो थोड़ी आधी अधूरी है। यहाँ पे भी सेम है शक्कर, ये सब राम मिलाई जोड़ी है। मम्मी के स्केचर्स से हो गई शॉपिंग। मम्मी को बहुत टाइम से शूज़ दिलाने थे। हम हनीमून पे जा रहे थे, तब उस शॉप से हमको शॉपिंग करनी थी, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था। अरे चिकू मुझे मार्केट में चले जाओ, आगे कुछ मिल रहा है कचरा चद्दर दे देंगे। तो अभी इतनी सारी जो भी शॉपिंग करी है उसके नीचे पॉइंट्स रिडीम करवाने आए, तो आई होप कुछ तो मिले कम से कम। अच्छा, ये हमेशा पॉइंट यहाँ पे वो करवाने पड़ता है, मेरे को भी नहीं करता। अब चीज़ें सब है तो कभी वर्क इन प्रोग्रेस। तो फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं हम कार में, और मॉल का तो लगभग सारा ही काम हो गया था। अभी थोड़ा बाहर काम है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। और हमको सिर्फ जो पूरा चिकू ने बिल्स जमा करवाए, मैन जो सेलिब्रेशन मॉल के काउंटर पर सिर्फ एक बॉटल मिली है जो कि टेम्परेचर बताती है। और वो क्या, हमको पहले एक बॉटल मिल चुकी है और वो टेम्परेचर बताती है। और बिना दी को पता ही नहीं था कि यहाँ पर चेक करवाना पड़ता। बिना दी के ऐसी बॉटल अगर मिलती, मेरे पास तो कितनी इकट्ठी हो गई होती। एक दुकान मैंने मेरी दुकान के पास लगा दी होती। अभी यहाँ पर 30 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे आगे। मॉल के अंदर आओ, पता ही नहीं चले सुबह से कब रात हो जाए। कैसे 3-4 घंटे बीत के पता ही नहीं चला। बोर हो रहे थे। हाँ, और कितने जने वाकई शॉपिंग करने नहीं आते, सिर्फ बोर हो रहे होते तो यहाँ आ जाते, टाइम पास हो जाता है। वो तड़का है बांधने का। तो 2 दिन फुल हाई अलर्ट की वार्निंग थी, बारिश बहुत आएगी। बच्चों की सबकी छुट्टियां भी थी, पर बच्चों को 2 दिन में ही मजे आ गए। कोई बारिश नहीं गिरी, मस्ती से क्रिकेट खेले बच्चे, और बहुत मस्ती करी है। मैडमों को भी मजा आ गया, वाह क्या छुट्टी मिल गई हाई अलर्ट की। तो ये बाहर धूप देख सकते हो, हाई अलर्ट के बाद की धूप है ये। थोड़ी बहुत जो भी होम की शॉपिंग थी वो बाकी थी, तो अभी हम विशाल मेगा मार्ट में आए हैं घर की थोड़ी शॉपिंग करने। और कुछ छोटी सी मोटी चीज़ें थी जो बाकी थी, कागज और ये सब चीज़ें लेने वो आए हैं। बिल बनवा रही है यहाँ पर बिना दीदी, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे बिल बनवाने में। शॉपिंग पूरी हो जाती है, यहाँ बिल बनवाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ओ इधर शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, और गाड़ी में सब सामान लोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर चेक हो रहा है सामान की क्या क्या सामान लिया है, और ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, थोड़ा बहुत ही सामान लिया। जो मैं नीड है अभी, क्योंकि मम्मी जा रहे हैं तो सामान लेने के लिए। मैं कहा इधर तो जाऊँगी, आए हैं लगे हाथ ले ही लेते हैं। यहाँ पर चिकू सामान चेक करवाते हुए थक ही गए सब, आज तक थक गए सब शॉपिंग कर कर। हम लोग निकल चुके हैं ऋषभ देव के लिए, और क्योंकि मम्मी पापा को कल सुबह ही निकलना है, इसलिए आज के दिन हम आए थे शॉपिंग करने। तो शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, ऋषभ देव के लिए निकल गए। अब आंटी जी भी साथ में थे तो आंटी जी को भी ले लेते हैं। और अभी सनसेट का टाइम हो रहा है। घर पर आकर खाना बनाया है, और खाने में आज हमने बनाया था नमकीन की सब्ज़ी रोटी, क्योंकि सब जने बड़े थके हुए थे। तो अभी मम्मी की होगी पैकिंग, क्योंकि मम्मी को कल जाना है। सो मम्मी के कुछ पैकिंग प्रॉपर हुई नहीं, प्रॉपर क्या हुई नहीं थी, क्योंकि मम्मी की सारी शॉपिंग बाकी थी। तो शॉपिंग हो गई। अभी जो कुर्ते वगैरह लाए थे वो थोड़े बड़े बड़े हो रहे थे, तो बड़े थोड़ा सा मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी रोशनी को बुलाया था, रोशनी को फिटिंग करने के लिए दे दिया है, तो रोशनी सुबह अर्ली मॉर्निंग दे देगी। तो मम्मी अभी फ्रेशन अप होते हैं, फिर पैकिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मम्मी की पैकिंग हो चुकी है और मम्मी ने पूजा भी कर ली है। यहाँ पर पैकिंग का सारा सामान पैक करके रख दिया गया है। रोशनी को कल रात को जो कुर्ते दिए थे वो फिटिंग होके आने बाकी है, थोड़ी सी पैकिंग बाकी है। मम्मी कह रहे 25% बाकी है, ऑलमोस्ट हो गई है। मम्मी पापा की ट्रेन है 12 से 1 बजे के बीच में शायद तक, मुझे भी फिक्स पता नहीं, बताती हूँ मम्मी को पूछ के। तो मम्मी जो भी थोड़ा बहुत सेटलमेंट है वो करवा रहे हैं भाई जी के साथ। लगेज पूरा कार में लोड हो गया है, अभी निकल रहे हैं मम्मी पापा भगवान के और ये से दर्शन करके। मम्मी फाइनली रेडी हो गए पूरा। ये मम्मी के शूज़ कर लाए वो। दादी एक के जा रही है रामदेव जी के। स्कूल आज गाड़ी थी के दादी कहाँ चली, दादी कहाँ चली? दादी तो फ्रेंड्स मम्मी पापा चले गए हरिद्वार और हम दोनों अकेले घर पे। और अब वो वहाँ पर 7-8 दिन तक रहेंगे और हम यहीं पर हैं। और मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। जाते जाते तो हम काफ़ी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि कभी गए नहीं है मम्मी पापा हमको छोड़कर, इसलिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने है ना पहली बार घी बनाया है। मम्मी पापा गए हुए हैं ना, तो घी क्या बहुत टाइम का, तो क्या 10 दिन का पड़ा हुआ था। तो फिर बाहर जाएगा तो फिर घी खाने मज़ा नहीं आता है ना। तो मैंने तवेली भर गई थी तो बना रही हूँ मैं। एक बार तो मुझसे बना ही नहीं, पूरा दूध हो गया। मैं सोचूँ यार नहीं बनेगा मुझसे, क्योंकि हमेशा मम्मी करके रख देते हैं। मजबूरी सब कुछ सिखा देती है, ऐसा बोलते हैं ना सच्ची में। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, क्या कर रहे हो यूँ? मैंने बोला मैं घी बना रही हूँ। फिर मम्मी बोले कि घी बना रही। मैंने कहा मम्मी पूरा एक जैसा हो गया है क्या, बर्फ़ डालूंगी तो होगा ये? फिर मम्मी बोले नहीं, ऐसे कैसे करती रहे, हो जाएगा। और वाकई मैंने 2 से 5 मिनट और घुमाया, हो गया। और देखो कितना मस्त मक्खन निकल रहा है। हमारे लैला के छाछ भी ख़त्म हो गई थी, छाछ भी बन जाएगी। जल्दी जल्दी इसलिए बना देते हैं ना, क्योंकि लैला को छाछ देनी पड़ती है, तो फिर वो पुरानी छाछ होती है तो बाँचती है। लड़कों को फ्रेश ही खिलाए। अकेले अकेले 1 से 2 जन, बड़ा कोई होता है ना तो इतना डर नहीं लगता है ये सब चीज़ें करने में। चलो करना ही है तो कर देते हैं। मोटर अपने यहाँ चालू अपने चालू मैंने तो कभी नहीं। आज बड़े दिनों के बाद मैं और चिकू दोनों जने घर पे हैं, तो चिकू ने कहा कि आज खाना मुझे बाहर से खाने की इच्छा है। तो ऋषभ देव में एक अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, तो वहाँ से चिकू लेके आए हैं पिज़्ज़ा और ये सब। तो एक बार थोड़ा बेड पे अखबार वगैरह बिछा ले, क्योंकि हमेशा ये सब चीज़ें गिरती रहती है ना। लोग आप बिछा लो। प्लेट भी चाहिए यार, बाद में क्या पैकिंग करके दिए पता नहीं क्या। ऐसे पैकिंग करके देते हैं तो गलत है। अखबार में कौन सैंडविच देता है? बेकार। यहाँ पर पनीर चिल्ली सैंडविच और पास्ता निकल रहा है। पास्ता, यहाँ पर पिज़्ज़ा। हमेशा डोमिनोज का खाते हैं, आज लोकल भी ये ट्राई कर रहा है। ओके, ये हमारा पिज़्ज़ा, ये रेड सॉस पास्ता, ये सैंडविच, ये पनीर चिल्ली और ये फिर से पिज़्ज़ा। दोनों जने मस्त हमारे डिनर को एंजॉय करते हैं और फिर आपको प्रॉपर रिव्यू देते कैसा लगा। इतना सब जो भी था आपने देखा, जो जो मंगवाया था उसमें सिर्फ 2 पिज़्ज़ा ही ख़त्म हुए। सैंडविच ठीक थे, पिज़्ज़ा ठीक थे, पर रेड सॉस पास्ता और पनीर चिल्ली दोनों बिल्कुल भी खाए ऐसी नहीं है। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, इसका जो मेन टेस्ट है वो तो आ ही नहीं रहा, इसलिए इतना मज़ा नहीं आया। चिकू कह रहे तू घर का ही खाना बना देती तो अच्छा रहता। आज सुबह के जो बर्तन थे वो बाई जी आई नहीं थी, तो पूरे ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे। तो अभी मैंने किचन तो क्लीन कर दिया है, पूरा स्टैंड क्लीन किया, आज घी बनाया वो। और बर्तन तो अभी रात के हैं नहीं, तो सुबह आके धोएगी। मेकअप की वीडियो एडिट हो रही है, तो वो अभी तक आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लो, बहुत ज़बरदस्त का मेकअप ट्यूटोरियल आया है। अभी तो मेकअप ट्यूटोरियल सारे जोरदार आए, शेयर भी करो और फॉलो भी करो उन मेकअप ट्यूटोरियल को। फ्रेंड्स, हमने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद चिकू आज लेके आए हैं, चिकू आज इनके बालों के लिए लेके आए हैं एम कैफीन का स्काल्प स्क्रब, जो कि इनके स्काल्प पे भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, तो उसको रिमूव करने के लिए और हमारी हेयर ग्रोथ को एक्सफोलिएट करने के लिए। हमारे जो रूट्स होते हैं ना, उनको अच्छे से अगर स्क्रब हो जाते हैं तो रूट्स की जो बालों को बढ़ाने की इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इसको अच्छे से हमारे स्काल्प पे भी स्क्रब करेंगे, हमारे नहीं चिकू के स्काल्प पे स्क्रब करेंगे। एंड इसके बाद चिकू जाने वाला है हेयर वॉश के लिए। पूरे बालों में लग चुका है स्क्रब और अभी मैं अच्छे से पूरे बालों में मसाज कर रही हूँ। मज़ा आ रहा होगा आपको, तो मस्त पूरे बालों में मसाज कर रही हूँ। इसके आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े दाने हैं इसके अंदर। इसको आप चिकू जेंटली अच्छे से वॉश कर देंगे और फिर शैम्पू कर देंगे। यहीं पर मैं कर देती हूँ व्लॉग का एंड। और अब व्लॉग्स नहीं आएंगे, अब क्यों नहीं आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो बाय। यहाँ तक व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय।